नमस्कार, नादी टीवी पे आपका बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अनुपमा खोपड़े। ब्रेकिंग की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री हर की महिलाओं से संवाद करेंगे, ऑनलाइन नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, साथ ही स्व सहायता महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश की 870 जगहों से महिलाएं प्रधानमंत्री के साथ में जुड़ेंगी और साथ ही मुख्यमंत्री भिंड वीडी शर्मा भोपाल से शामिल होंगे। महिला दिवस पर महिला मोर्चा का अभियान रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान शुरू किया जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की 15 लाख महिलाओं की बात सुनेंगे। तो देखिए, काफी बड़ा अभियान है जहां पर महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य लेकर और उसे बढ़ावा देने के लिए अब प्रधानमंत्री महिलाओं से संवाद करने वाले हैं, ऑनलाइन नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और देश भर की महिलाएं इस दौरान वर्चुअली जुड़ेगी, प्रधानमंत्री से वर्चुअली बात करेगी। अब तक हमने देखा कि तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी उसको लेकर प्रधानमंत्री जो लाभार्थी थे, जो हितग्राही थे, उनसे बात करते नजर आते थे, लेकिन अब महिला सशक्तिकरण को लेकर, उनको उनकी सुरक्षा को लेकर कि वो देश में कितनी सुरक्षित है, आत्मनिर्भर है, ये तमाम सवाल जवाब है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश की 15 लाख महिलाएं इस दौरान शामिल होगी और साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भिंड से जुड़ेंगे और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा राजधानी भोपाल से शामिल होने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के 870 जगहों से महिलाएं प्रधानमंत्री के साथ में जुड़ेगी, बातचीत करेगी और ये जो बातचीत होगी वो वर्चुअली होगी, जहां पर प्रधानमंत्री देश भर की महिलाओं से बातचीत करते नजर आएंगे कि आखिर वो महिला सशक्तिकरण को लेकर उनके क्या विचार हैं। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान तमाम जो महिलाएं हैं उनसे चर्चा करने के दौरान उनके विचार भी साझा कर सकते हैं कि आखिर महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ओर से आगे और क्या प्रयास किए जा सकते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर भी बात की जा सकती है और उसके अलावा केंद्र की जो योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई गई है, राज्य सरकार की ओर से जो योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई गई है, क्या उसका फायदा महिलाओं को मिल रहा है। और इस दौरान आपको बता दें कि जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है वो भी जुड़ेगी और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद भी करेंगे। वर्चुअली तरीके से ये संवाद होने वाला है। तो ऑनलाइन नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री नजर आएंगे और देश भर की अलग अलग राज्यों से कई सारी महिलाएं जुड़ेगी, प्रधानमंत्री से बातचीत की जाएगी और सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आखिर देश में महिलाओं को सुरक्षित आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है और महिला सशक्तिकरण को लेकर और उसे बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। तो देखा हमने पिछले दिनों किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हर वो कोशिश करते हैं जिससे कि देश की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से कई सारी योजनाएं लेकर आई जाती हैं। अगर हम एमएसएमई की बात कर ली जाए तो उसमें भी महिलाएं किस प्रकार से अपना उद्यम खोल सकती है या जो हस्तकला होती है उसमें महिलाएं काफ़ी निपुण मानी जाती है और यही वजह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से उन्हें सपोर्ट करने के लिए और उन्हें मनोबल देने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, अलग अलग योजनाएं लाई जा रही है जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। महिला सशक्तिकरण को लेकर एक उद्देश्य होगा जो कि आज पूरा होता हुआ नजर आएगा और देश की तमाम जो महिलाएं हैं इस दौरान प्रधानमंत्री से बातचीत करेगी और साथ ही अपने जो विचार है वो भी प्रधानमंत्री से साझा करती हुई नजर आएगी। चलिए इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना बानो जुड़ गई है। शबाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर की महिलाओं से संवाद करने वाले हैं और बस इसका एक ही लक्ष्य है कि किस प्रकार से महिलाओं को सशक्त किया जा सके। ऐसे में ये अभियान कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
देश भर की महिलाओं से संवाद करेंगे, जिससे जिसका कार्यक्रम मध्य प्रदेश में 870 जगहों पर लाइव दिखाया जाएगा और मध्य प्रदेश की 12 लाख से अधिक महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। इसके जरिए प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा और महिलाओं को सम्मान देने की जो बात है वो करते हुए नजर आएंगे। लगातार आपने देखा कि किस तरीके से मोदी सरकार और डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया। सरकार लगातार ये बोलती हुई भी नजर आई कि हम महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं। उसी कड़ी में आज ये संवाद होगा। देश भर से करोड़ों महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भिंड से तो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जो है भोपाल, राजधानी भोपाल में सुनेंगे और सभी जो कार्यकर्ता है उनको अपने स्थान, अपने जिले, अपने जो भिंड जैसी जगहों पर, छोटे स्तरों पर जो है आप तमाम जगहों पर इस कार्यक्रम को लाइव दिखाने का निर्देश दे दिया गया था। पिछले 3 दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी, जिसके बाद जो है आज ये कार्यक्रम होने जा रहा है और कार्यक्रम के जरिए जो है प्रधानमंत्री महिलाओं से संवाद करेंगे, महिलाओं से चर्चा करेंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि जो डबल इंजन सरकार की जो योजनाएं थी उसके तहत किन किन महिलाओं, किन कौन कौन सी महिलाएं आगे बढ़ी, इन सबको लेकर भी यहाँ पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। जी, तो लौटूंगी आपके पास में शुभाना, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिलाओं से बातचीत करते नजर आएंगे और उस दौरान अलग अलग राज्यों से जो मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भी नजर आएंगे। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो भिंड से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जुड़ेंगे और उसके साथ ही वीडी शर्मा भोपाल से शामिल होंगे और वहां की जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली भी जुड़ने वाले हैं।